पिछले कुछ दिनों से BTS के ग्रुप को लेकर काफी बातें चल रही हैं। पहले तो सुगा की कंट्रोवर्सी ने ऑलरेडी सभी के मन में काफी क्वेश्चंस अराइज कर दिए थे, क्योंकि सुगा के मामले में किसी भी BTS के मेंबर ने स्टैंड नहीं लिया था और काफी टाइम हो चुका है उस मामले को खत्म हुए, लेकिन अभी भी BTS के साथ सुगा का कोई भी पब्लिक इंटरेक्शन नजर नहीं आया है, जिसको देखकर कई सारे आर्मीज के मन में सवाल था कि क्या BTS मेंबर्स के बीच में सिचुएशंस अच्छी नहीं चल रही हैं। लेकिन अब J-Hope के मिलिट्री के डिस्चार्ज में जो हुआ उसको देखकर फिर से काफी सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो गई हैं और कोरियन मीडिया के थ्रू कई सारे लोगों का ये कहना है कि शायद BTS मेंबर्स के बीच में सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले थी। तो जैसा कि आप सबको पता है, जब हमारे BTS के मेंबर जिन मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे तो सभी BTS के मेंबर्स जिनको पिक करने और उन्हें ग्रीट करने उनके मिलिट्री बेस पर पहुंचे थे, और इसी वजह से यही सेम उम्मीद J-Hope के मिलिट्री डिस्चार्ज में भी सभी आर्मीज को थी BTS के मेंबर से। हालांकि डिसअपॉइंटमेंट के साथ हमें ये खबर मिली कि BTS के बाकी मेंबर्स J-Hope को पिक करने नहीं आएंगे और बस जिन वहां पर पहुंचेंगे, और कई सारे मीडिया से रीजन ये मिला कि BTS के बाकी मेंबर्स को लीव नहीं मिली, इसीलिए वो J-Hope को पिक करने वहां पर नहीं आ पाए। हालांकि इसके बाद कई सारी बातें हो रही हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को लग रहा है कि ये काफी वेग रीजन है और ये इस बात को जस्टिफाई नहीं करता कि BTS के मेंबर्स ने आखिर क्यों इतने से भी एफर्ट्स नहीं किए कि वो J-Hope को उनके मिलिट्री डिस्चार्ज के दिन देख पाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मिलिट्री से छुट्टी लेना एक्चुअल में काफी डिफिकल्ट है, लेकिन कई आर्मीज को लगता है कि चलो सारे BTS के मेंबर्स नहीं बट एक दो BTS के मेंबर्स तो शायद इस छुट्टी को ले ही सकते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिन वहां पर पहुंचे, जो कि काफी वियर्ड था। चलो BTS के सभी मेंबर्स ना भी आते बट कुछ और मेंबर्स तो अरेंजमेंट कर ही सकते थे J-Hope से मिलने के लिए। आफ्टर ऑल ये J-Hope की लाइफ का एक बड़ा मोमेंट था जहां पर BTS के मेंबर्स को अवेलेबल रहना चाहिए था। चलो ये बात तो ठीक है कि जिन पहले मेंबर थे जो कि मिलिट्री से आ रहे थे और वो सबसे पहले गए थे, तो उनसे मिलना सभी मेंबर्स को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन J-Hope के लिए भी ये सब चीजें इम्पोर्टेंट थी ऐसा कई आर्मीज को लगता है, जिसकी वजह से कई आर्मीज को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि BTS के आपसी मतभेद चल रहे हो जिनकी वजह से उन्होंने इतने भी एफर्ट्स नहीं किए कि वो J-Hope से मिलने आ सके। हालांकि दोस्तों, जैसा कि मीडिया से पता चला है, फिलहाल रीजन यही बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया में मिलिट्री काफी टफ चल रही है और नॉर्थ कोरिया की वजह से काफी टेंशन है, जिसकी वजह से BTS को डिस्चार्ज नहीं मिला था। लेकिन फिर भी कई आर्मीज को ये रीजन वैलिड नहीं लग रहा है और उनको लगता है कि दाल में कुछ काला है। तो आप सभी मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों बाकी BTS के मेंबर्स J-Hope को लेने नहीं आए। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।